साइज तो काफी बड़ा है वैसे इसके मुकाबले, लुक अच्छा आ रहा है इसको। सुनो कितना बड़ी हो गई। तो हाँ भाई, क्या हाल चाल है सभी के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम। होप करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। दिस इज भास्कर, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और गाइस, आज का जो वीडियो रहने वाला है ना, अगर आपको याद हो तो इससे पहले वीडियो जो हमने बनाया था, हमने अपने बाइक AK रुद्रा के हैंडल बार रेजर्स चेंज किए थे, उसके हैंडल्स की हाइट थोड़ी बढ़ाई थी। तो उस चक्कर में क्या हो रहा था ना, तो हैंडल विंडशील्ड पे लग रहा है और विंडशील्ड भी जो है थोड़ी छोटी लगने लगी है। तो एक काम तो ये है कि करोल बाग जाना है और अपनी बाइक के लिए एक बढ़िया सी विंडशील्ड जो है ढूंढनी है, अगर मिल जाती है तो, नहीं मिलती है तो फिर देखेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। और एक दो चीज़ें और लेनी है मुझे वहाँ से, छोटी मोटी। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये है कि आने वाले टाइम में अपने कुछ तगड़े तगड़े ट्रैवल प्लान बन रहे हैं, मतलब देख रहे हो, सोच के अच्छा सा लग रहा है। और उन ट्रैवल प्लान्स में हम लोग क्या सोच रहे हैं कि करेंगे कैंपिंग और बढ़िया बढ़िया से जो है आपको भी नज़ारे देंगे। एक दो चीज़ें और है जो मुझे लेनी है, जैसे कि एक बुटेन गैस लेना है, एक मैं सोच रहा हूँ हेड टॉर्च जो आता है वो ले लूँ, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, एक पानी वाला केन लेना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको लेने के लिए मैं जाऊँगा आज़ाद मार्केट। तो ये दो जगह मुझे जाना है, आज़ाद मार्केट और करोल बाग। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 9:50 और बाहर धूप बहुत ज़्यादा तगड़ी है यार। फिलहाल अपना प्लान है कि 10:15 तक निकलेंगे, क्योंकि 11 बजे तक ही वैसे भी मोस्टली मार्केट खुलती है। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जल्दी से और वीडियो को एंड तक देख लेना। चलो, तो भाई ये लड़का भी आ चुका है जिसे आपने पिछली वीडियो में देखा था, उसका नाम बताना भूल गए थे हम, अपना नाम बता दें। अक्षत। झूठ बोल रहा है भाई, वाला नाम बता रहा जो घर का है, आप बता दो। तो भाई इसका नाम है अप्पी, कोई नहीं लेगा इसकी पप्पी, ठीक है। तो ये भी जा रहा है अपने साथ। तो बेसिकली क्या है, इसने करोल बाग नहीं देखा आज तक और बाइक का क्रेज इसको भी है, तो इसकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। नहीं, मैं पहले भी गया हूं। अच्छा, तो ठीक है, साथ साथ में वीडियो बनाने के लिए ठीक हो जाता है, ये बंदा वीडियो मस्त बनाता है इसलिए ले जा रहे हैं। और चलते हुए हंस रहा है पीछे से, और जाते हुए यार पेट्रोल भी भरवाना है, गाड़ी लग चुकी है रिजर्व में, तो चलते जल्दी निकलते हैं, 10 बज चुके हैं। चल भाई, हेलमेट हेलमेट पहन ले, बैग ले ले। तो भाई पेट्रोल भी हो गया डन, चलते हैं। और भाई गर्मी में मजा आ रहा भाई, वो तो किस्मत अच्छी है, हवा हवा ठंडी चल रही है, पहले तो हम पहले से हैं बचपन से। एक तो अपने को ये सिलेंडर लेने हैं गैस के, ये देख लेंगे, और एक भैया जिसे लाइट्स वगैरह देख रहे हैं, ये टॉर्च है ये ब्लिंक वाला और नॉर्मल। तो भाई फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा सामान तो नहीं है, बट ये हमने ले लिया एक बुटेन गैस फिलहाल के लिए, ले इसको डाल दिया बैग में। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलते हैं आगे दूसरी शॉप्स वगैरह देखते हैं, अगर वो पानी का मेन लेना है बाकी तो ठीक है। चले भाई, कैसा रहा, मजा आया गर्मी में? हवा चल रही है। और भाई अभी तो टूई जलेगी जो अलग है, बाइक बिल्कुल गर्म हो गई होगी। बैठियो एक बार, चेक तो कर बैठ के। चलो भाई, ट्रैफिक भी लगने लग गया। भाई अभी दूसरी शॉप पे आए, उस पर तो मिली नहीं, यहाँ देखते हैं कैसे। ये तो वो है हाइड्रेशन बैग वाली, ये तो बाइक के काम आती है, ऐसी में ना एक वो आता है जो केन बन जाती है ऐसे पूरी, ये तो बाइक में लग जाती है, नहीं है? अरे यार, वो यहाँ पे अपने को एक लाइट मिली है, लाइट तो हम ढूंढ रहे थे, इसमें तीन मोड है, एक तो फुल बीम पे, एक थोड़ा लो और एक ब्लिंक वाली, 100 रुपए की है मात्र, छोटी सी चार्जिंग वाली, USB-C टाइप लगता है इसमें। बट ये है कि एक ही घंटा चलेगी, लगभग 1.5 घंटा चलेगी, बट ये ठीक है कैंपिंग में, मतलब इमरजेंसी में। और ये की चैन की तरह है मेरे ख्याल से, की चैन है, मेटल है, बाइक पे भी चिपक जाएगी आराम से। हाँ, ये अच्छा, इसमें मैग्नेट है ये। हाँ, चलो देखते हैं इसको, ले लेंगे। बाकी पानी का केन वगैरह तो मिल नहीं रहा कहीं, तो ये सारी चीज़ें ले लेंगे। तो भाई इस दुकान से भी हमने दो चीज़ उठा ली है, मैंने सिलेंडर और ले ही लेते हैं जब आए हैं, तो यहाँ पे सही मिल रहा है 100 रुपये का माल, ऑनलाइन वैसे 200 का है, 180 का है, और एक लाइट भी उठा ली हमने 100 रुपये की। अब सीधा चलते हैं करोल बाग, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, ये लौटा स्टाइल। भाई फाइनली करोल बाग तो पहुंच गए हैं, और भाई धूप ने जो हालत करी है ना, ऊपर से पुरानी दिल्ली से निकलना,
तो वो अभी देखते हैं, विंडशील्ड वगैरह की बात करते हैं। देखा था नहीं था भाई। ओके, विंडशील्ड है। एक बार इसको लगा के देख रहे हैं। वाह, मतलब साइज तो काफ़ी बड़ा है वैसे इसके मुकाबले, बट हैंडल इस पर भी लगेगा, ये लग तो रहा है। देखिए लगने के बाद नहीं लगेगा पक्का भाई। जो अभी हीरो की नई एक्सट्रीम आई है उसका भी काम चल रहा है यहाँ पे भाई साहब। बाइक तो अच्छी लग रही है ये भी, ये ना बहुत सही है, हर बाइक के लिए आता है और कोई भी लेता है ना बाइक तो सबसे पहले भाई ये लेग गार्ड वगैरह लग जाए। अभी अपने को विंडशील्ड तो मिल गई है, BMW GS310 की है ये, पर दिक्कत इसके साथ भी यही है कि साइडों में ना पकड़ियो अपनी एक बार इसको ऐसे, इसको भी ना साइडों से क्योंकि हैंडल लगेगा तो इतना इतना काटना पड़ेगा। वो कटेगी तो ये मशीन तो है नहीं, ग्लेंडर से ही कटेगी, तो मुझे वही डाउट हो रहा है कि थोड़ा मतलब लुक भी ठीक से नहीं आएगा, थोड़े निशान निशान भी आ सकते हैं ग्लेंडर से। दूसरा ये है कि स्मोक में नहीं है, इसको स्मोक करना पड़ेगा हमें। हाँ, स्मोक वाला रैप उसका खर्चा अलग से है, क्या करना है। स्मोक कब तक आ जाएगी इसमें? स्मोक कब तक आ जाएगी? आएगी तो मिल जाएगा स्मोक में, तो दिखाओ ना स्मोक, दिखा दो फिर कभी तो बोलना भाई। यहाँ पे टॉप बॉक्स वगैरह भी काफ़ी लगे हुए हैं और अपने को भी अपनी बाइक में एक लगाना है बहुत ही जल्दी। क्या बोलता है अभी लगवाने का? नहीं खर्चा करवाने को, प्लास्टिक वाला लगवाना, मतलब ये वाला नहीं, मेटल वाला नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही महंगा है। तो भाई एक अपने को बाइक के लिए लेने को बता, नेक्स्ट ये हमने ले लिया। और मौसम देखो यार, क्या क्रेजी मौसम हो गया, धूप गायब, क्या बात है, बिल्कुल सही टाइम पे निकले हम, आज का दिन सही चीज़। फिलहाल फ्लैक्स आ गए, ले बैग में डाल लिए, ने पेमेंट कर देते हैं। तो भाई लगे हाथ, जब तक अपना वाइजर का जुगाड़ नहीं हो रहा तब तक हमने इसका स्लाइडर भी चेंज करा लिया, टूट गया था और नया स्लाइडर लगवा लिया। एक काम और हो गया, डन, आज सारे काम निपटा देंगे अपने बाइक के जितने भी हैं। सही है ना भाई? A few minutes later. तो भाई फाइनली अपने को स्मोक विंडशील्ड तो मिल गई है, बट इसमें दिक्कत ये आ रही है, एक तो इसमें पहले से छेद होके आ रखे हैं, तो इसके छेद जो है ना होल्स इसके साथ सेट नहीं बैठ रहे, एक ही बैठेगा कोई भी सेट। और दूसरी ये कि इसको काटना भी पड़ेगा, हैंडल जब मूव करेगा हमारा ये देख ये लगेगा, तो ये इतनी कटेगी बेटा, इतनी कटेगी ये। हाँ वाइट का ही करना पड़ेगा फिर स्मोक करके। लुक अच्छा आ रहा है इसमें, कितना उसमें छेद नहीं है ना यार, अगर उसमें छेद करवाएंगे तो दो दो मॉडिफिकेशन हो जाएगी, तो छेद आएगा। बट यार ये देख इसकी, इसमें भी फर्क है, ये वाली अच्छी क्वालिटी की है, थोड़ी ब्लैक वाली ना मोटाई अच्छी है, थोड़ा पीछे से ले फोकस, दोनों में देखोगे तो NM का फर्क है ना, ये अच्छी है थोड़ी, वाइट वाली थोड़ी हल्की है। हाँ तो क्या कहते हो? चौड़ी भी है भाई, ब्लैक वाली देख थोड़ी सी है ना, थोड़ी चौड़ी भी है, वाइट ही करवा देंगे स्मोक, अगर ये करेंगे तो स्मोक करा लेंगे। क्या कहते हो आप बताओ, आपकी वाइट करते हैं, वाइट लगवाते, नहीं लगेगी अच्छी तो फिर वो करा लेंगे, और मैं पैसों का एक बार जुगाड़ तो कुछ करना पड़ेगा। भाई आज तो अपना इतना बड़ा पपलू कट रहा है, बड़ी मुश्किल से विंडशील्ड मिली स्मोक वाली, तो फिर वही था कि उसके छेद में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब ये वाले नट बोल्ट्स में, वाइट वाली में मैंने उन्हें बोला कि लगा दो, पहले सारी बात हो गई, फिर मैंने बोला ये विंडशील्ड हटा के इसकी जगह पर लगानी है, अब वो कह रहे हैं कि इसकी जगह पर नहीं लगेगी, वो क्यों नहीं लगेगी पता नहीं, वो कह रहे टूट जाएगी लगाते हुए, वो कह रहे इसके ऊपर ही लगेगी, अब इसके ऊपर मुझे नहीं लगवानी है तो अजीब सा लगेगा। तो कुल मिला के जो अपना एक घंटा करीब पूरा बर्बाद हुआ, हमने आधा घंटा पहले लगा, आधा घंटा अभी, कहीं और कहीं नहीं चल रहे, मोस्टली काम निपटा लिया, अब चलते हैं थोड़ा खा पी लेते हैं, अब भूख लगने लगी भाई, वेज बिरयानी खाएंगे इतना कटवाने के बाद, भाई पूरा एक घंटा बर्बाद हुआ यार वहाँ पे, आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में, अब पहले नहीं बता रहा कि भाई नहीं होगा जबकि मैंने तो पहले भी बोला था। चलो पेट पूजा करते हैं पहले, चावल देख लियो जरा, बाहर तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग सभी को, दिस इज़ द वेरी नेक्स्ट डे। और कल आते आते भाई अपनी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब गर्मी से ना, मतलब
पूछो मत, लिटरली लग गए थे अपने और लू वगैरह ऐसी लग रही थी बाइक पे, बट कोई बात नहीं, आ गए थे। उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि फिर शाम को क्लासेस वगैरह रहती है, तो फिलहाल आज व्लॉग को फिर से कंटिन्यू करते हैं। और बाकी जो भी सामान वगैरह हमें लेना था आज़ाद मार्केट से वो तो हमने ले लिया था, वो आपने देखा ही होगा। और विंडशील्ड भी जो है हमने खोज निकाली थी करोल बाग में, लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या हुई कि पहले तो उन्होंने वाइट विंडशील्ड दिखाई, फिर मैंने बोला मुझे स्मोक दे दो क्योंकि उस वाइट विंडशील्ड को स्मोक कराने में खर्चा आ रहा था। तो जब सेम रेट पे स्मोक मिल रही है तो फिर मैंने उसे स्मोक ढूंढवाई, स्मोक को टेस्ट किया, लगा के देखा, सब चीज़ ठीक थी, थोड़ी काटनी पड़ रही थी साइड से, बट वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो तभी मैंने उनको स्टार्टिंग में बताया था कि पुरानी विंडशील्ड हटा के ये वाली विंडशील्ड लगानी है, तो तब तो उन्होंने बोला ठीक है, हाँ लग जाएगी। फिर सारी प्राइस वाइस की बात हुई, सारी चीज़ फाइनल हुई, जब उनको बोला कि ठीक है अब लगा दो, फाइनल करी, तो पता नहीं क्यों उन्होंने जिससे बोला लगाने के लिए उसने बोला ऐसे लगेगी नहीं। मतलब उनका कहना ये था जो अभी विंडशील्ड लगी हुई है ना स्टॉक जो कंपनी से आती है उसी के ऊपर ये विंडशील्ड लगेगी, उसको हटा के नहीं लग सकती। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्यों उन्होंने ऐसा बोला, कह रहे इसको हटा के लगाएंगे तो टूट जाएगी। अब मुझे इस बात में कोई सेंस तो नहीं लगा, मैंने कोशिश भी करी उन्हें समझाने की, बट वो कह रहे थे कि फिर मेरे ऊपर आएगा अगर टूट गया है वो, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने प्लान कैंसिल कर दिया, मैंने विंडशील्ड नहीं लगवाई। लेकिन अब लग रहा है कि यार एक चीज़ करनी थी, विंडशील्ड खरीद के ले आते, यहीं अपने लोकल से कुछ जुगाड़ उगाड़ करके ढंग से अपने हिसाब से फिर देख लेते, बाकी देखते हैं फिर भी जैसा भी होगा। तो हाँ, किसी को CV200X की विंडशील्ड चाहिए टूरिंग वाली बड़ी, तो जाके करोल बाग से ले सकते हो, मिल जाएगी, फ्रंट पे ही दुकान है तो मिल जाएगी वहाँ पे इजीली। बाकी बस यही था इस व्लॉग में, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर वीडियो देखिए तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।